Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and aap dekh rahe hain Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about all the cricket news and updates jo cricket ki duniya mein chal rahi hain. So sabse pehle aap video ko like karenge, channel ko subscribe karenge and agar aapke koi comments hain at the end of the video, to aap niche zarur likh dijiyega. Main sare comments padhti hoon and sabka jawab deti hoon. So bhai, sabse pehle bahut bawal mach gaya hai because Nasir Hussain ne jo hai, wo aade haathon le liya hai pura England team ko. Unhone ye kaha hai that Ben Duckett बकवास कर रहे हैं, एकदम नॉनसेंस बातें कर रहे हैं, दैट जयसवाल ने बैस बॉल से कुछ सीखा है. तो इस बात पे नासिर हुसैन जो है वो बहुत गुस्सा हो गए हैं एंड राइटली सो, क्योंकि भाई जयसवाल का स्ट्रगल तो भाई सबको पता है, एवरीबडी नोज ऑफ हिज स्ट्रगल. ही नोज, वी नो दैट यू नो, वो ग्राउंड के बाहर बैठते थे, वो टेंट में रहते थे और वहीं बड़ी मुश्किल से वो अकेले सर्वाइवल उन्होंने किया है. तो भाई ऐसी बात कह देना दैट बैस बॉल से वो सीख के आया है, तो दिस इज अ बिग इंसल्ट. लेकिन दिस कमिंग फ्रॉम एन इंग्लिशमैन, एक एक्स फॉर्मर इंग्लैंड का कैप्टन अगर ऐसी ये बात बोल रहा है तो ये बहुत सीरियसली ली जाएगी, बिकॉज जो इंग्लैंड वाले हैं वो इंडियंस की तो कभी बात सुनते नहीं है, उनको लगता है इंडियंस हमेशा रोते रहते हैं, लेकिन अपने एक्स कैप्टन की बात वो जरूर ध्यान में रखेंगे. तो बेन डकेट को और सारे बेन स्टोक्स को, ब्रेंडन मकलम को, सबको उन्होंने सुना दिया है कि भाई आप दूसरों की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करिए, हर चीज में अपना क्रेडिट लेने की कोशिश मत करिए. फालतू स्टेटमेंट्स जो पास हो रही हैं, हम 700 रन चेस कर देंगे, हम 40 ओवर्स में 50 ओवर्स में चेस कर लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो भाई ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो नासिर हुसैन, माइकल एथरटन, माइकल वॉन जो मेन स्पोक्स पर्सन है इंग्लैंड क्रिकेट के, उनको ये बात ज्यादा पसंद नहीं आ रही है. एंड यशस्वी जायसवाल की इस स्टेटमेंट पे तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं एंड उन्होंने बोला है कि यू नो, इंग्लैंड क्रिकेट को अपने गेम पे फोकस करना चाहिए और फालतू स्टेटमेंट्स देने में फोकस नहीं करना चाहिए, एंड दैट इज वेरी वेरी राइट. तो भाई स्टोक्स की खबर आ रही है दैट यू नो, मे बी लास्ट के 2 टेस्ट मैचेस में स्टोक्स जो है वो बोलिंग करेंगे, अभी कंफर्म नहीं है, बट ब्रेंडन मैकलम ने बोला है दैट यू नो, हम ऑप्शंस कंसिडर करते हैं, लेट्स सी हाउ ही फील्स अबाउट इट. तो लेट्स सी अगर स्टोक्स एज एन ऑलराउंडर, एज अ बोलर दिखेंगे हमें रांची एंड धर्मशाला के टेस्ट मैचेस में. इसके अलावा जो है केएल राहुल, वी नो इज बैक, ही बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड. रजत पाटीदार को अपनी जगह शायद छोड़नी पड़ेगी. बुमराह जो है वो मोस्ट लाइकली रेस्टेड है, तो ये देखा जाएगा कि आकाशदीप को मौका मिलता है या मुकेश को मौका मिलता है, या फिर इंडिया जो है थोड़ा रिस्की प्रोपोजिशन के साथ जाती है एंड अक्षर पटेल को एज अ फोर्थ स्पिनर इंक्लूड करती है. सो दैट ऑल रिमेन्स टू बी सीन. तो भाई हम न्यूज को वॉच करेंगे, सारा कुछ वॉच करेंगे एंड जैसे जैसे अपडेट्स होंगे हम अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करेंगे अपने लाइव शो में जो रात को हम 10 बजे करते हैं. सो एनीवे, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, कल से तो भाई बड़ा एक्साइटिंग मैच शुरू होने वाला है, बड़ी राइवलरी है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में फर्स्ट T20I मैच है, वो इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 11:40 AM को स्टार्ट होने वाला है एंड कल जो है बड़े ही ज्यादा मजेदार चीजें देखने को मिलेगी. खबरें ये आ रही है दैट ट्रेविस हेड इज गोइंग टू ओपन विद डेविड वॉर्नर एंड मिचेल मार्श जो है, जो कैप्टन है, ही इज गोइंग टू कम एट नंबर 3. तो भाई ये चीजें डिफाइंड हो गई हैं. स्टीव स्मिथ का आई थिंक ये लास्ट 3 मैचेस का मौका है दैट ही माइट प्रूव हिमसेल्फ यू नो इन द T20 फॉर्मेट. अगर वो अपने आप का परफॉर्मेंस देते हैं, अपने आप को बेटर इंप्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं कि वो T20 फॉर्मेट में सूटेबल है, तभी वो T20 वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर किए जाएंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल दीज 3 मैचेस फॉर स्टीवन स्मिथ. तो वी विल फॉलो दिस मैच, हम इस मैच के प्लेइंग 11s भी आज रात को 10 बजे अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल सुबह ये है 11:40 को मैच शुरू हो जाएगा. तो वेरी एक्साइटिंग राइवलरी, वेरी गुड मैच, तो हम इसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे. सो इसके अलावा जो है, मनोज तिवारी जी ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है एंड उन्होंने थोड़ा सा धोनी पे टॉन्ट मार दिया है दैट ही डजंट नो व्हाई ही वाज लेफ्ट आउट ऑफ द 2011 वर्ल्ड कप. हालांकि उन्होंने एक सेंचुरी बनाई थी बट फिर भी उनको इग्नोर कर दिया गया एंड ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की मैं भी जो है इनके जैसे एक बड़ा प्लेयर बन सकता था. तो भाई मनोज तिवारी जी, इतने बड़े बड़े क्लेम्स मत करिए, ठीक है आप रिटायर हो गए हैं, आप स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन देखिए टैलेंट बहुत होता है, एक सिंगल सेंचुरी इज नॉट इनफ टू गेट अ प्लेस इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड. 2011 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो भाई रोहित शर्मा को भी जगह नहीं मिली थी, तो भाई यू नो
वन सेंचुरी इज नॉट इनफ, इससे ज्यादा आपको करना पड़ना था अगर आपको जगह बनानी थी आपने इंडिया के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में. सो भाई अब नाउ स्पिल्ट मिल्क पे ऊपर क्राई करने का कोई फायदा नहीं है, बात निकल गई होगी. ग्रेशियसली आप रिटायर करिए, आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ एंजॉय करिए, लोगों के ऊपर पंगे लेने की जरूरत नहीं है. फिर लोग आपको बोलते हैं कि यार ये सड़ रहा है, गल रहा है, ऐसी बात इसे नहीं करनी चाहिए. Anyway, जो है गांगुली ने एक स्टेटमेंट पास की है दैट रोहित शर्मा इज द बेस्ट कैप्टन, यू नो चॉइस ऑफ द कैप्टन फॉर द T20 वर्ल्ड कप. तो हमारे बहुत ग्रेट कैप्टन थे सौरव गांगुली और उन्होंने अपनी बैकिंग जो है रोहित शर्मा को दी है. सो यू नो हम तो कॉन्फिडेंट है कि रोहित शर्मा ही हमारे T20 के कैप्टन होंगे, क्योंकि जो अदर है ऑप्शन वो है हार्दिक पांड्या, एंड हार्दिक पांड्या तो हमारे कैप्टन ना ही बने, दैट विल बी बेटर. सो भाई वैसे जय शाह ने भी कंफर्म कर दिया है कि रोहित शर्मा ही लीड करेंगे, तो आई थिंक इस चीज में कोई डाउट ज्यादा रह नहीं गया है. हार्दिक पांड्या की बड़ी फनी फनी वीडियोस रोज आ रही हैं, अब तो मुझे उन वीडियोस पे थोड़ी हंसी भी आ रही है, बिकॉज रोज रोज कोई अपना वर्कआउट रिजीम, कोई अपना फिटनेस रिजीम, जिम की वीडियोस, बॉलिंग प्रैक्टिस, रोज जो है वो बंदा क्यों रिलीज करेगा. तो मेरी बात वो सच होते हुए जो मैंने अपने व्यूअर्स को पहले बताई थी कि एक परमानेंट कैमरामैन जो है मुंबई इंडियंस ने इनके लिए हायर कर दिया है, और उस कैमरामैन वो कैमरामैन इनके पूरे दिन इनके आगे पीछे घूमता रहता है. एंड एक बड़ी फेमस सी वेबसाइट है क्रिक ट्रैकर करके, यू नो वो बार बार प्रमोशन कर रही है हार्दिक पांड्या की एंड मुंबई इंडियंस की. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई इंडियंस ने कुछ लोगों को भी हायर कर दिया है दैट जो उनका माउथपीस बन के उनकी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. तो भाई ये बात सही नहीं है, मेरिट पे प्लेयर को खेलना चाहिए. हार्दिक पांड्या इंजर्ड थे, अभी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, अगर आगे कॉन्ट्रीब्यूशन आएगी तो ऐसी वीडियोज बननी चाहिए अप्रिसिएशन एंड प्रमोशन की. पहले बनाने का थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, एंड हार्दिक पांड्या एंड मुंबई इंडियंस की तरफ से थोड़ी इनसिक्योरिटी भी लगती है कि यू नो जानबूझ के व्यूअर्स को वापस खींचने के लिए जो रोहित शर्मा के लिए अपसेट थे, उनकी ट्रीटमेंट के से अपसेट थे, उन लोगों को वापस खींचने के लिए जो है ये स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है. सो भाई काफी ज्यादा दिक्कत है, बट यू नो हार्दिक पांड्या की वीडियोज आ रही है, वी आर सब्जेक्टेड टू इट, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है. यू नो या तो उनको म्यूट कर दो या तो उनको ब्लॉक कर दो, बट यू नो काफी ज्यादा इरिटेटिंग ये सारी स्टोरी लग रही है. तो भाई WPL शुरू होने वाला है, दैट इज द नेक्स्ट न्यूज. तो वो 23 February को शुरू होगा, वील फॉलो दैट, हम उसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे. बट उसी दिन जो है इंडिया का मैच भी है, तो भाई इंडिया के मैच को भी प्रायोरिटी है, ज्यादा प्रायोरिटी टेस्ट मैच को है. WPL विल ऑल्सो बी फॉलोड, थैंकफुली वो मैचेस शाम को होंगे, टेस्ट मैच के टाइमिंग से क्लैश नहीं करेंगे, तो दोनों जो मैचेस को अच्छे से कवर किया जा सकता है. सो न्यूज इज कमिंग दैट कार्तिक आर्यन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा आर गोइंग टू परफॉर्म इन द ओपनिंग सेरेमनी. कार्तिक आर्यन से तो हम उतना खुश नहीं थे, एटलीस्ट मैं तो खुश नहीं थी, बट सिद्धार्थ मल्होत्रा इज नाइस, आई थिंक यू नो दिस इज अ गुड चॉइस. सो ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ देम इन द ओपनिंग सेरेमनी. तो भाई इसके बाद जो है एक हैरिस रॉफ की काफी चर्चा चल रही है, क्योंकि आपको सबको पता है दैट PSL चल रहा है एंड हैरिस रॉफ की काफी ज्यादा बैड परफॉर्मेंस आ रही है. तो मैंने सोचा आज थोड़ा हैरिस रॉफ की ले ली जाए, तो भाई मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, कुछ देर के बाद ही वो वीडियो आएगी हैरिस रॉफ के, जो यू नो विराट कोहली ने जब उनको छक्के मारे थे तब से लेके अभी तक 1.5 साल की उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, किस किस टूर्नामेंट्स में, वो हम रिकाउंट करेंगे और देखेंगे ये हैरिस रॉफ भाई साहब को एक्चुअली हुआ क्या है उनको, एंड किस तरीके से डाउन पे डाउन उनकी परफॉर्मेंस जाती जा रही है. तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, वो वीडियो मैं कुछ 2 घंटे बाद पब्लिश कर दूंगी. सो प्लीज लाइक एंड यू नो दैट वीडियो एंड गिव योर कमेंट्स ऑन दैट वीडियो एज वेल. सो भाई ये सारी क्रिकेट न्यूज हो गई है, एंड इसके अलावा जो भी और न्यूज होगी वो हम रात को यू नो अपने लाइव शो में व्यूअर्स के साथ 10 बजे डिस्कस करेंगे. चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर कोई कमेंट्स है तो आप नीचे जरूर लिखिएगा, और देखिए जो ये नीचे मैसेज दिया है ड्रीम प्लान एंड डू, उसको भी फॉलो करिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे टुडे.